हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज का वीडियो काफी खास होने वाली है क्योंकि विप्रो ने फाइनली अनाउंस कर दिया है उसका हायरिंग। जो हमने पहले भी आप लोगों को इन्फॉर्म किया था कि विप्रो काफी तरीके से, हमारा जो इंस्टाग्राम चैनल है वहां पर हमने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया था कि विप्रो जो हायरिंग करती है वो किस किस लेवल पे करती है, कौन कौन से रोल्स है, क्या सैलरी है, सब कुछ हम लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। और साथ ही साथ अभी विप्रो ने सच्ची में एकदम जल्दी जल्दी अनाउंसमेंट कर दिया है। तो ये जो हायरिंग होने वाली है ये WILP प्रोग्राम में होने वाला है, वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम में होने वाला है, ठीक है। 2024 ये जो हायरिंग होने वाला है ये सुपर सेट के थ्रू होने वाला है, ठीक है। आप लोगों को जो भी असेसमेंट मिलेंगे, जो भी इंटरव्यू प्रोसेस होगा, एवरीथिंग विल बी ऑन सुपर सेट ओनली, ठीक है। ये जो डेडलाइन है आप लोग देख सकते हो, ये मैं बहुत ज्यादा तरीके से आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगी क्योंकि पिछली बार भी कुछ मतलब ऐसे डेडलाइंस थे जो स्टूडेंट्स ने मिस कर दिए थे, ठीक है। आई गेस दैट वाज फॉर इनफोर, ठीक है। तो 6 बजे तक उसका डेडलाइन था तो बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिए थे ये अपॉर्चुनिटी। तो इस बार मैं बहुत हाईलाइट करके बता रही हूँ और अभी भी 5 दिन टाइम है तो जल्दी से जल्दी आप लोग प्लीज अप्लाई कर दीजिए। 30th August 2024, ओके, सॉरी एक्चुअली ये 30th जुलाई है और ये 30th अगस्त को ये खत्म होगा। मतलब 1 महीना आप लोग के पास टाइम है, लेकिन फिर भी 1 महीना टाइम है तो लोग इतने कैजुअल लेते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं। तो फिर आप जल्दी से जल्दी ये फुल मतलब फिलअप कर लो। इसके बाद आप लोग देख सकते हो कि ये एक जो जॉब हायरिंग होने वाली है इसका जो आपका स्टाइपेंड या फिर आपका जो CTC मिलने वाला है वो होने वाला है 15,488 पर मंथ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सैलरी ब्रेकअप सब कुछ एकदम डिटेल में दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो ज्वाइनिंग बोनस आप लोगों को 75,000 मिलेगा। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या क्या मतलब आपका जो PF डिडक्शन होता है या फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर का, थर्ड ईयर का, कैसे कैसे आप लोगों का सैलरी इंक्रीमेंट भी होगा, ये सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ओके। इसके बाद हम लोग ज्यादा तरीके से आ जाएंगे रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कौन लोग एलिजिबल है, सब कुछ के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में 10th स्टैंडर्ड पास, 12th स्टैंडर्ड पास एंड ग्रेजुएशन 60% और 6 CGPA की मार्क्स आप लोगों को चाहिए, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है जिन लोगों का 60% से ज्यादा CGPA है या फिर जस्ट 60% है वो लोग एलिजिबल होंगे। इसके साथ आप लोगों को 10th-12th में पास होना होगा, ओके। ईयर ऑफ पासिंग आपका 2023 एंड 2024 होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो क्वालिफिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये हायरिंग बीटेक के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है क्योंकि कल तक मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल आए थे, मैसेज आए थे कि ये स्टूडेंट्स जो है जो एलिजिबल है वो बीटेक के लिए नहीं है। क्या विप्रो ने अभी तक बीटेक के लिए कोई हायरिंग नहीं निकाली है? निकालेगी। आप लोग को थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ये जो हायरिंग है ये सिर्फ और सिर्फ BCA BSc के लोग के लिए है और साथ ही साथ जो एलिजिबल स्ट्रीम्स है वो आप लोग को ज्यादा से ज्यादा गौर करना पड़ेगा। कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड फिजिक्स, सिर्फ इतने जो स्ट्रीम्स है इतने स्ट्रीम्स के ही लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। BCA का तो कुछ अलग से स्ट्रीम नहीं होगा, BCA का मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन लेके जो लोग भी पढ़ रहे हैं उनका है। और उसके बाद जो बैचलर ऑफ साइंस BSc करके आएंगे उनका ये स्ट्रीम होना चाहिए। इसके बाद जो क्राइटेरियाज है यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ना और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर जो मतलब सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है आप लोग देख सकते हो, ऑनलाइन असेसमेंट होगा, वर्बल, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एंड रिटन कम्युनिकेशन टेस्ट। इसके बाद बिजनेस डिस्कशन और HR डिस्कशन होगा। मेनली जो है ये फर्स्ट वाला जो असेसमेंट रहेगा यही वाला इम्पोर्टेंट है जो की 4 सेक्शन में डिवाइडेड होगा, ओके। यहाँ जाके आप लोगों को अप्लाई कर देनी है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे सीमेंस के तरफ से ग्रेजुएट ट्रेनिंग इंजीनियर के रोल के लिए हायरिंग चल रही है जो कि होने वाला है बैंगलोर में। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कैंडिडेट को क्या क्या जो काम करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप लोग देख सकते हो। AutoCAD, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए और ये सारी चीजें आप लोगों को मीट करना पड़ेगा तभी आप लोग अप्लाई कर सकते हो, वरना आप लोग बिना मतलब ये सब पढ़े अप्लाई मत करना, ओके। इसके बाद आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप के एक जो इंटर्न्स लोग होते हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बैंगलोर है आप लोगों का जो लोकेशन होने वाला है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर जाके आप लोग अप्लाई कर देना। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये आप लोग पढ़ लेना। ऐसे कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स नहीं है, लेकिन आप लोगों का क्या डिग्री होना चाहिए, कहाँ पर आप लोगों को अच्छा नॉलेज चाहिए वो आप लोगों को मेंशन किया हुआ है। पर उससे भी ज्यादा आप लोगों को सारे लोगों से स्टैंडर्ड पढ़ना जरूरी है। रिक्वायरमेंट्स कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स पे भी आप लोगों को स्टैंड आउट करने की बहुत जरूरत है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हमारा जो लास्ट हायरिंग होने वाला है उसके तरफ, जो कि होने वाला है HCLTECH की तरफ से। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो HCLTECH का यहाँ पर जॉब रोल जो है ग्रेजुएट ट्रेनी रोल का है, ग्लोबल सर्विस डेस्क, एजुकेशन बैकग्राउंड कोई भी ग्रेजुएट आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और ग्रेजुएशन बैच काफी ज्यादा है, 2021 से लेकर 2024 के स्टूडेंट्स तक अप्लाई कर सकते हैं। काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है और कंपनी भी काफी अच्छा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अप्लाई लिंक भी दिया हुआ है। और जो लोकेशन होने वाला है वो होने वाला है लखनऊ एंड नागपुर, ठीक है, या तो लखनऊ होगा या फिर नागपुर होगा। तो आप लोग देख सकते हो कि काफी अच्छी खासी हायरिंग अभी चल रही है। तो जब तक मार्केट का हालत थोड़ा सा अच्छा है तो आप लोग प्लीज अपॉर्चुनिटी मिस मत कीजिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। तो इसीलिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस हायरिंग के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए, सारे के लिए अप्लाई कर दे और हमारे साथ बने रहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। डिस्क्रिप्शन में दिए गए हुए इंस्टाग्राम लिंक एंड टेलीग्राम लिंक को आप लोग ज्वाइन एंड फॉलो जरूरी करना, क्योंकि आप लोगों को वहां पर जो भी हायरिंग अपडेट्स है लेटेस्ट वो आप लोगों को जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। और हम लोग रोज कुछ ना कुछ हायरिंग अपॉर्चुनिटीज वहां पर डालते ही है विथ लिंक्स एंड ऑल द डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर ही वीडियो खत्म होती है। तब तक के लिए बाय।